सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको दाऊद के राज्य अभिषेक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको शमूएल की पहली पुस्तक और उसके 16 अध्याय में 1 वचन से 14 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इसराइल पर राजा शाऊल राज्य किया करता था। राजा शाऊल इसराइल का पहला राजा था। अपने शासन के शुरुआती समय में राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता और भय में कार्य किया, लेकिन कुछ समय के बाद वह घमंड से फूल गया और उसने ऐसे पाप किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उस समय इसराइल में नबी के रूप में शमूएल नबी रहता था। एक दिन परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा कि मैंने शाऊल को इसराइलियों का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। फिर परमेश्वर ने शमूएल नबी से यह भी कहा कि तू कब तक राजा शाऊल के विषय विलाप करता रहेगा, अपने सिंह में तेल भर कर चल, मैं तुझे बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया है। प्रियो, यहाँ मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि राजा शाऊल को इसराइल का राजा होने के लिए चुना गया था और शमूएल नबी के द्वारा उसका भी अभिषेक किया गया था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा ना मानने और घमंड के कारण परमेश्वर ने शाऊल का साथ छोड़ दिया। वैसे ही प्रियो, जब परमेश्वर किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को चुनते हैं और यदि वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो परमेश्वर उसे पल भर में बदल सकते हैं, जैसे परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए तुच्छ जाना। प्रियो, जब परमेश्वर ने शाऊल का साथ छोड़ा तो उसे एक दुष्ट आत्मा सताने लगा। जहाँ पहले उसमें समझदारी थी, नम्रता थी, परमेश्वर के लिए धुन थी, वहीं अब परमेश्वर से अलग होकर भय और शंका में जीने लगा। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य को जान लेने के बाद विश्वास से भटकना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तब आपकी बात की दशा पहली पापमय दशा से भी खराब हो सकती है। इसलिए एक बार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जान लेने के बाद पाप और अनाज्ञाकारिता से दूर रहें। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित किया और अब उनकी दशा पहली दशा से भी बहुत खराब है। इसलिए जहाँ तक हो सके परमेश्वर की आज्ञाकारिता में उसको प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करें। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब परमेश्वर ने शमूएल को बैतलहम जाने को कहा तो शमूएल कहने लगा, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल को यह बात मालूम पड़ेगी कि मैं बैतलहम जा रहा हूँ तो वह मुझे मार डालेगा। तब यहोवा ने शमूएल से कहा कि एक बच्चिया अपने साथ ले जा और कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ और उस यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को तू मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहे अनुसार किया और वह बैतलहम को गया। जब वह बैतलहम पहुंचा तो उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे कि क्या तू मित्र भाव से आया है? तब शमूएल ने उनसे कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, तुम अपने आप को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब शमूएल ने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि शमूएल नबी यहोवा परमेश्वर की बात मानकर बैतलहम नगर में आता है। यद्यपि यहाँ आने से पहले उसके मन में इस बात का डर था कि शाऊल को यदि यह मालूम पड़ गया कि वह बैतलहम क्यों जा रहा है तो वह उसे घात कर डालेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके भय को दूर किया और शमूएल ने भी यहोवा के वचन के अनुसार किया और बैतलहम जाकर मित्र भाव से यहोवा का काम किया। प्रियो, यहाँ हम ध्यान दें कि हमें यहोवा का काम हमेशा ही मित्र भाव से करना है। यहोवा द्वारा दिया गया कार्य हमें मेल मिलाप व प्रेम भाव से ही करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सकें, जैसे शमूएल नबी ने किया। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब यिशै के पुत्र शमूएल के नियोते पर यज्ञ में आए तो शमूएल ने यिशै के बड़े बेटे एलिय्याह को देखकर सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा।
परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके शरीर की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यशे ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा। तब शमूएल ने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यशे ने शम्मा को सामने भेजा और शम्मा के लिए भी शमूएल ने ये कहा कि यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस तरह यशे ने अपने सातों पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, लेकिन शमूएल यशे से कहता गया कि यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, सबसे छोटा तो रह गया है, वह तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तब शमूएल ने यशे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर अंदर ले गया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर थी तथा उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है जिसको मैंने इज़राइल का राजा होने के लिए चुन लिया है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंह लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रमाहा को चला गया और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि यशे के 8 पुत्र थे। जब शमूएल ने यशे से उसके पुत्रों को बुलाने के लिए कहा तो यशे ने पहले अपने 7 पुत्रों को ही बुलाया। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र दाऊद को बुलाने की जरूरत भी नहीं समझी, क्योंकि दाऊद का किसी की भी नज़र में कोई महत्व नहीं था। वह अपने परिवार का सबसे छोटा बच्चा था। उस समय उसकी उम्र लगभग 15 या 16 वर्ष रही होगी। दाऊद उस समय अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था। जब यशे अपने पुत्रों को शमूएल के पास भेजने लगा तो शमूएल ने एक एक करके सबको इनकार कर दिया। पहले तो जब शमूएल ने एलियाब को देखा तो शमूएल को लगा कि यही परमेश्वर का अभिषिक्त जन होगा, लेकिन यहोवा ने कहा, नहीं, प्रभु ने शमूएल से कहा कि तू उसके बाहरी रूप को न देख। और तब हमें यह सुंदर वचन मिलता है कि मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहाँ हम ध्यान दें प्रियो कि यहोवा ने मस्तिष्क की नहीं हृदय की बात की है। प्रियो, शमूएल नबी एलियाब के ऊंचे कद और सुडोल शरीर को देखकर यह सोचने लगा था कि यही यहोवा का चुना हुआ जन होगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने शमूएल से कहा कि तू सिर्फ उसके बाहरी रूप को देख रहा है, लेकिन मेरी दृष्टि मन पर रहती है। प्रियो, परमेश्वर ऐसे ही लोगों की तलाश करता है जिनके हृदय परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। जब दाऊद का राज्य अभिषेक हुआ उस समय वह जवान भी नहीं हुआ था। वह अपने से बड़े भाइयों से ज़्यादा होशियार भी नहीं था। वह सारा दिन सारंगी बजाया करता था और परमेश्वर के लिए गीत गाया करता था। परमेश्वर ने देखा कि दाऊद के हृदय में उसके प्रति प्रेम व भक्ति थी। परमेश्वर ने देखा कि दाऊद का हृदय शुद्ध है और उसमें कुछ भी कपट नहीं है। परमेश्वर ने पूरे इसराइल में देखा कि वह कौन है जो उसे प्रेम करता है। तो परमेश्वर को एक किशोर अवस्था वाला छोटा लड़का मिला और परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। प्रियो, आज परमेश्वर पूरे देश में ऐसे ही जवान लड़के और लड़कियों को ढूंढ रहा है जिनका हृदय शुद्ध है, ताकि वह उनका अभिषेक करके उनका इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर चाहते हैं कि जवानों को उनकी जवानी की अवस्था में चुनकर उनको प्रशिक्षित करें और एक लंबी सेविकाई के लिए उनका इस्तेमाल करें। योएल नबी की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय के 28 वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर जवान लड़के और लड़कियों के द्वारा अपनी योजना को पूरा करना चाहता है। वह ऐसे जवानों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो परमेश्वर के प्रति पूरे समर्पित हों, जिनका मन इस संसार की मोह माया में नहीं लगा। वे जवान जिनके मन में यहोवा के लिए धुन रहती है। परमेश्वर ऐसे ही जवानों को अभिषेक करके अपनी बड़ी योजना को पूरा करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के बहुत से जवान अपनी युवावस्था में संसार की अभिलाषाओं की ओर आकर्षित हो चुके हैं।
जिस युवावस्था में उन्हें परमेश्वर की सेवा करना चाहिए था, उस समय में आज के जवान दुनिया की अभिलाषाओं में खो गए हैं और परमेश्वर से दूर हो गए हैं। चाहे लड़के हो या लड़की, इन्होंने अपने जीवन के यौवन को परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि अपने ही लालसाओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया। बाइबल में लिखा है कि जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण करे और उसी को स्मरण करके सब काम करे। लेकिन आजकल के जवानों में परमेश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं है, वे केवल दुनिया की चीजों से प्रेम करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आज भी ऐसे जवानों को ढूंढ रहा है जिनका हृदय दाऊद के जैसे साफ हो और जो अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हों। प्रियो, आज जितने भी युवा इस वीडियो को देख व सुन रहे हैं, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि अपनी जवानी को परमेश्वर यहोवा के हाथों में समर्पित कर दें और अपना हृदय परमेश्वर की ओर लगाएं। वह आपका अभिषेक करना चाहता है, वह आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वह आपको और आपके वंश को आशीष देना चाहता है। इसलिए आज ही अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दीजिए, प्रभु आपके द्वारा अपने महान कार्य को करेगा। एक और बात प्रियो, जो इस घटना में हमें सीखने को मिलती है कि जब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, उस समय से परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। अर्थात जब शमूएल ने उसका अभिषेक किया, तब दाऊद आत्मा से परिपूर्ण होने लगा। परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए चुना था और राजा के रूप में दाऊद को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने उसे आत्मा से भरा। वैसे ही प्रियो, जब परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए बुलाते हैं, तो वह हमें अपनी आत्मा से भरते हैं और वह आत्मा हमें उन कामों को करने की सामर्थ्य देता है जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। जैसा प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमें अपना आत्मा देना चाहता है ताकि उस आत्मा की सामर्थ्य से हम शैतान का सामना कर सकें। प्रियो, याद करें कि जब प्रभु का आत्मा दाऊद पर उतरा तो वह गोलियत का सामना करने से भी नहीं डरा। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर का आत्मा इस संसार के गोलियत का सामना करने की सामर्थ्य प्रदान करता है ताकि हम उसे हरा सके। प्रियो, हमारी तरह दाऊद भी सामान्य परिवार में पैदा हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी राजा बनेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना और उसे राजा बनाया। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर आपको भी स्वर्ग स्थानों का राजा बनाना चाहता है। वह आपसे ऐसा काम करवाना चाहते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मुझमें कोई योग्यता नहीं है, मैं दूसरों से बेहतर नहीं हूँ या मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूँ। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यशे का और उसके बेटों का दाऊद के लिए यही विचार था। उन्हें लग रहा था दाऊद तो अभी छोटा है, नादान है, नासमझ है, वह कैसे राजा बन सकता है। इसलिए तो यशे ने उसको बुलाने तक की कोशिश नहीं की। लेकिन जब यहोवा ने यशे के सातों बेटों को इनकार कर दिया, तब यशे ने दाऊद को बुलाया और फिर यहोवा ने दाऊद के लिए कहा कि यही है, इसी का अभिषेक कर। प्रियो, हो सकता है कि दुनिया वाले, परिवार वाले या फिर आप स्वयं अपने आप को अयोग्य समझते हो, लेकिन यदि आपका हृदय परमेश्वर की दृष्टि में साफ है तो परमेश्वर आपको योग्य बनाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित करें और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। प्रियो, आप कभी अपने आप को मूल्यहीन ना समझें। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हो और परमेश्वर आपका उपयोग अपनी बड़ी महिमा के लिए कर सकता है। अंत में मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति था। दाऊद की तरह शाऊल भी अभिषिक्त था और आत्मा से भरा गया था। शाऊल ने शुरुआत भी अच्छी की थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके सफल होने के लिए सब कुछ दिया। लेकिन अंतर क्या था? अंतर हृदय का था। शाऊल का हृदय परमेश्वर के साथ ठीक नहीं था और इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को त्याग कर दाऊद को राजा बनाया। प्रियो, परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति होने का अर्थ है निष्पाप और धर्मी होना, परमेश्वर की खोज करना और उसके प्रति आज्ञाकारी होना।
परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास होना और सबसे महत्वपूर्ण आपका हृदय परमेश्वर की आराधना का स्थान होना चाहिए। दाऊद की तरह दिल से परमेश्वर की आराधना करने वालों को परमेश्वर आज खोज रहा है। परमेश्वर आपको राजा बनाना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? आशा करती हूँ प्रियो, दाऊद के राज्य अभिषेक पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।